नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे हम ग्रुप डी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़े बदलाव जो है ग्रुप डी की वैकेंसीज में किए गए हैं। बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं जो कि आप सभी को जानना जरूरी है। टोटल यहाँ पे चार से पाँच बदलाव जो है किए गए हैं ग्रुप डी की वैकेंसी में अब तक। तो सारे जितने भी चेंजेज हुए हैं इस एक वीडियो में आपको मैं कवर करूँगा दोस्तों, आपके साथ विद प्रूफ, प्रूफ के साथ ये सारे वीडियो जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे मैं लापता रहता हूं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आगे आने वाली सारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके हमारे चैनल से। तो सबसे पहले यहां अगर बात करते हैं हम, या पहला पॉइंट हुआ है दोस्तों आईटीआई हट गई है। तो ये तो सभी को पता चलेगी, अगर मैंने वीडियो बना भी दिया है इसके ऊपर कि ग्रुप डी में जो है आईटीआई हटा दी गई है। अब यहां पे इसका जो प्रूफ है देख लीजिए आप खुद, जो पीयूष गोयल जी वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों पीयूष गोयल जी मैं आपको बता देता हूँ कौन है एक्चुअली, जो यहाँ पे रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल वही है अभी प्रेजेंट में रेल मंत्री कौन है पीयूष गोयल, और उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। तो देखते हैं क्या कहते हैं पीयूष गोयल जी। दसवीं कक्षा या आईटीआई या एनएससी सर्टिफिकेट जो एनसीवीटी देता है, तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन हो, 10th और आईटीआई और एनसीवीटी का एनएससी सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर व्यक्ति फुलफिल करता है तो वो एलिजिबल होगा इस एग्जाम में। तो दोस्तों दूसरा सवाल यहाँ पे निकल के आता है कि यहाँ पे अगर आईटीआई हटाना ही था तो लागू क्यों किया, आईटीआई जोड़ा क्यों गया। तो देखिए क्या है इसका प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ। किया गया कि दसवीं के साथ आईटीआई और एनसीटीवीटी को भी जोड़ दिया जाए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के लिए, जिससे थोड़ा बहुत लोगों को जानकारियां इन विषयों की रहे, और उसके बाद रेलवे तो ट्रेनिंग करती है। लेकिन ये निर्णय जनता तक पहुंचा नहीं था, और चार पांच दिन पहले जब इश्तिहार आया तब पहली बार लोगों को मालूम पड़ा। अब ऐसे काफी नौजवान थे, युवा युवती, जिनको ये जानकारी ना होने के कारण वो तैयारी कर रहे थे अपने इस एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन आईटीआई या एनसीटीवीटी का उन्होंने कोर्स नहीं किया था जानकारी ना होने के कारण। तो मुझे बड़ी जायज लगी ये बात, हमने बोर्ड मेंबर्स ने सबने डिस्कस किया आपस में, सेक्रेटरी स्टाफ, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, बाकी सब अधिकारियों ने और मेरे साथ भी चर्चा की। और ये एक संवेदनशील सरकार है, ये सरकार ध्यान रखती है कि गरीब आदमी, नौजवान, युवा युवतियों के हित की हमको सबसे ज्यादा चिंता रहती है। और मुझे भी लगा कि अगर उनको पहले से जानकारी नहीं थी तो कैसे वो अपने आप को तैयार करते हैं इन पोजीशंस के लिए। तो जो पहले सिस्टम था कि दसवीं कक्षा के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं ये लेवल 1 की पोजीशंस के लिए, ग्रुप सी ग्रुप डी, वो हम पुनर्स्थापित कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए। दसवीं कक्षा के लोग अप्लाई कर पाएंगे, हर एक कैटेगरी के लिए जो सी और डी में है उसके लिए एलिजिबल होंगे। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से उनका सिलेक्शन देश भर में होगा, और उसके बाद रेलवे का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको हम और दुरुस्त करेंगे और मजबूत बनाएंगे, उसमें और मॉड्यूल्स डाल के जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको और ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग मिले, जिससे वो देश की और रेलवे की सेवा और अच्छी तरीके से कर सके। ये भी निर्णय अभी बोर्ड ने और हमने मिलके ले लिया है। तो बहुत सडनली लोगों तक जाने के बाद उनको समय ना मिलने के कारण संवेदना अपनी दिखाते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि इस एग्जाम के लिए दसवीं कक्षा सब कैटेगरीज के लिए रहेगी। आगे का क्या निर्णय बोर्ड लेता है वो पहले से जनता को बता दिया जाएगा, जिससे आगे के लिए बच्चे अपनी तैयारी उस हिसाब से किस कैटेगरी में जाना चाहे उसके लिए आगे। दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पे दूसरा जो चेंज है वो है फीस रिफंड का। यहाँ पे जो फी है वो रिफंड की बात कही गई है, और कितनी रिफंड होगी ये भी यहाँ पे बताया गया है, और ये भी ऑफिशियली बोला गया है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे जनरल जो ओबीसी है उनके लिए जो फीस है वो 500 रुपये है, और 500 में से 400 रुपये मिलेगी, और ये कुछ कंडीशन से ही किस हिसाब से मिलेगी वह भी मैं आपको बताऊँगा। तो और एसटीएससी जो उनके लिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे फीमेल, तो इनकी 250 रुपये फी है और 250 रुपये इनको वापस मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी ये भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 250 ये जो फीस रिफंड होगी आपकी, ये होगी दोस्तों जब आप पहला एग्ज़ाम यानी कि स्टेज फर्स्ट वाला जो एग्ज़ाम है पेपर फर्स्ट, वो अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपकी फ़ीस वापस मिल जाएगी आपको, जो है 500 में से 400 इसके लिए और एसटीएससी के लिए 250 के 250 रुपये वापस आपको मिल जाएंगे। तो ये तो आपको फ़ीस रिफंड का प्रोसेस है। अब देखिए इसके लिए सबसे बड़ी मैं आपको यहाँ एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप जो है अपना खुद का अकाउंट से ही फीस का जो है वो कटवाए, कहीं पे भी मित्र अगर कहीं पे भी साइबर कैफे पे आप फॉर्म भी फिलअप करवा रहे हैं तो अपने खुद का अकाउंट का नंबर से वो फीस का जो है आप चालान करवाएं, जिससे कि आने वाले टाइम पे जब आपको फीस वापस मिले तो आपके ही अकाउंट में मिलेगी। अदरवाइज आप कहीं और से किसी के अकाउंट से करवाते हो तो वो उसी के अकाउंट में फ़ीस जाएगी, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे बात यहाँ पर बड़ी ये देख लीजिए, प्रूफ भी मैं आपको बता देता हूँ जो थोड़ी लोगों को परेशान कर रही थी अबाउट फीस। जब व्यक्ति अपने एग्जाम दे देगा तो जिसने 250 रुपए दिए उनको पूरा 250 रुपए रिफंड मिल जाएगा, और ये ऑलरेडी क्लैरिफाइड भी था, ये मैं पुनः रिटेट कर रहा हूं कि 250 रुपए जिसने फीस भरी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी उनको 250 फिर से रिफंड कर दिया जाएगा जो लोग एग्जाम में आके अपना पेपर लिखते हैं, और जो लोग 500 रुपए भरते हैं उनको भी 400 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा। अब एक और सवाल यहाँ पे निकल के आता है कि अगर फीस रिफंड ही करनी है तो ले क्यों रहे हैं, तो दोस्तों इसका भी जवाब यहाँ पे आप देख रहे हो लाइव, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। पीछे जो हेतु था, जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी थी उसमें 250 रुपए है और जो बाकी जनरल कैटेगरी है उसमें 500 रुपए है, पहले ये 0 और 100 रुपए होती थी। हेतु ये था कि इसमें कई लोग एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं और फिर एग्जाम में आते नहीं है, और हमारा बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत खर्चा करती है सरकार, तो इसलिए ये फीस रखी गई थी। और सरकार का जो पूरी व्यवस्था बनती है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए और सीरियस कैंडिडेट्स ही अप्लाई करें। इसके बाद में जो यहाँ पे एक और सबसे बड़ा बदलाव है वो है दोस्तों एज लिमिट का। एज लिमिट भी यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, बढ़ा दी गई है, और पहले जो एज लिमिट थी 18 से 31 वो अब कर दी गई है दोस्तों 33 ईयर। तो ये आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, ये जनरल के लिए, अदर कैटेगरी के लिए और भी यहाँ पर रिजर्वेशन है इसमें, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये एज की काफ़ी बड़ी यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट है। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करते हैं वो है दोस्तों लास्ट डेट। लास्ट डेट भी यहाँ पे जो है 15 दिन बोला गया है कि 15 दिन जो है यहाँ पे इंक्रीज कर दी जाएगी लास्ट डेट। अभी देखिए अभी कुछ ही देर में देखिए, या तो आज देर तक या फिर जो है कल तक जो है ऑफिशियल साइट पे ये सारी चीज़ें जो है डाल दी जाएगी। अभी ट्विटर के द्वारा ये सारी चीज़ें बताई गई है, ठीक है, और जो है यहाँ पर सारी चीज़ें जो है मेन साइट पर जल्दी ही डाल दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करते हैं टोटल एप्लीकेंट की, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए टोटल अप्रोक्सीमेटली जो है इसमें 1.5 करोड़ फॉर्म जो है अप्लाई होने की संभावना बताई गई है। आप खुद देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स विल बी वेल अबाउट 1.5 करोड़। और एक और सबसे बड़ा जो सवाल निकल के आता है कि जिन दोस्तों ने यहाँ पे फॉर्म पहले ही फिलअप कर दिया है उनका क्या बेनिफिट होगा, क्या अब उनका क्या होगा दोस्तों, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी अच्छी खबर है, उनका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, जितने भी ये सारे चेंजेज हुए हैं उनको उनका अब जो है बेनिफिट मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आपको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बेनिफिट मैं बता देता हूँ आपको कैसे मिलना है। ये यहाँ पर देखिए ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर जहाँ भी जिस भी बोर्ड से आपने जो है फॉर्म अप्लाई किया है, ये यहाँ पर जैसे कि मैंने इलाहाबाद वाली साइट खोल रखी है, ठीक है, इसमें आप जैसे यहाँ पर नीचे डाउन करोगे यहाँ पर देखिए मॉडिफाई एप्लीकेशन, यहाँ पे जाके आप अपने मॉडिफाई एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर कुछ गलती भी हुई है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। और एक और यहाँ पे बदलाव किया गया है दोस्तों, जो सिग्नेचर है वो पहले बताया गया था कि ओनली जो है एक ही लैंग्वेज में, लेकिन अब आप कोई सी भी लैंग्वेज में जो है सिग्नेचर कर सकते हो, ये भी सबसे बड़ा यहाँ पे चेंजेज हुआ है। और एक और चेंज हुआ है यहाँ पे जो भाषा का दोस्तों, पेपर की लैंग्वेज का, वो अब जो है काफ़ी लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा, जो कि पहले नहीं था ऐसा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है हो चुकी है। और मॉडिफाई एग्ज़ाम लैंग्वेज, देखिए एग्ज़ाम लैंग्वेज का भी ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हो ऑफिशियली हो चुकी है दोस्तों। तो अभी जिन दोस्तों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है उनको भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है,
वो सारे जो है अपने फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को यहाँ पे मेरी बात आपको समझ में आएगी। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, अभी के लिए इतना ही।